हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अप्सरा नाथ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ बाल उद्यान पार्क। मोती झील का काफ़ी फेमस पार्क है, तो चलिए इसको एक्सप्लोर करती हूँ। स्टार्ट करते हैं। Searching for a longer day, people feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुकी हूँ पार्क के अंदर और ये आप देख रहे हैं कि, तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों का प्लेग्राउंड बना हुआ है। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए, ये जंपिंग वाला झूला लगा हुआ है। तो गाइस, आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्लेग्राउंड है बच्चों का। Light is gonna come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. जैसे कि आपने अभी देखा, ये लंदन एंड फैमिली बस है। इसमें लोग बैठकर यहाँ का पूरा ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर घूम सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी बच्चों का प्लेग्राउंड बनाया हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सारे झूले एंड गाड़ी वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है बच्चों के खेलने के लिए। तो गाइस, आप जैसे कि अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और अच्छी जगह ढूँढते हैं, तो गाइस, आप यहाँ पर आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप गाइस देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी है और यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप अगर टाइम स्पेंड करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे बच्चों के लिए झूले वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं और ये गाड़ियाँ वगैरह हैं जो अच्छी चला सकते हैं यहाँ पर और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। बाकी सब रोलर कोस्टर हो गए, गैलेक्सी बाउंड्री हो गए, डक राइड हो गया, टेंटिंग हो गई, ये सब बच्चों के लिए है। इसमें भी रहता है टेंटिंग, इसमें भी 20-700 रुपये इसमें भी अलाउ नहीं करते लोग, इससे भी बच्चे लोग राइड करते हैं। बाकी बड़ों के छोटे बच्चों के लिए, बाकी सब छोटे बच्चे। तो आप यहाँ पर कब से लगाए हुए हैं? काफी साल हो गए। आप यहाँ पर आइए आशीष गौतम भैया के पास और अपने किड्स को लेकर आइए, यहाँ एंजॉय कर आइए। इस पार्क में ही बहुत अच्छी पार्क है, देन अभी अपडेट हुई है और आप आइए अपनी फैमिली के साथ और यहाँ आकर एंजॉय करें। Take that. Call it payback. Don't say I did it.
काफ़ी अच्छी है और इसका चार्ज है 50 रुपीज़। जैसे कि आप यहाँ के चार्जर देख रहे हैं, यहाँ की चार्जर हैं 500, बोर्डिंग बस 50 रुपीज़, लंदन बस के 50 रुपीज़, कार जीप राइड 50 रुपीज़ है, और वाटर रोलर है 50 रुपीज़, बाउंसी है 40 रुपीज़, डक झूला है 40 रुपीज़, जंपिंग 40 रुपीज़, ट्रेन राइड है 50 रुपीज़। सो गाइज, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर चार्ज दे के रखा हुआ है। तो आप आइए अच्छे बजट में, यहाँ पर आप ट्रैवल वगैरह टाइम स्पेंड कर सकते हो और काफ़ी इंजॉय अपनी फैमिली के साथ कर सकते हो। सो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ट्रेन है रेड कलर की और मैं इस पर राइड करने जा रही हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ उस पर राइड करके कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। When you need my voice, I'm here. When you need my voice, I'm here. When you need my voice, I'm here. When you need my voice. Silence of the night, when my demons go.
तो गाइज अभी मैंने मैजिक राइड किया था और ये भैया ने मुझे कराया था और ये टिकट वाले भैया हाय करिए और आपका नेम क्या है ऋषभ जानिए और ईशान सो गाइज यहाँ पर रोलर कोस्टर का राइड लीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए पर्सनली कि आपको यहाँ की राइड कैसी लगी और काफ़ी हम्बल भैया हैं इंजॉयमेंट आप लोग यहाँ पर आकर अच्छे से कर सकते हैं ओके बाय काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे रोलर कोस्टर का तो गाइज आप लोग भी आइए एक्सपीरियंस कीजिए और बताइएगा मुझे कि आपको यहाँ का राइड कैसा लगा सो गाइज अभी हम चलते हैं दूसरी ट्रेन की तरफ जो कि ये रही पीछे मेरी तरफ मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी हम चलते हैं उसकी राइड लेने और आपको बताते हैं उसका एक्सपीरियंस मेरा मुझे कैसा लगा और जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सो गाइज जैसे कि आप ये झूला देखने जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ इस पर एक्सपीरियंस करने झूल कर कि मुझे झूले बहुत पसंद है और मैं अभी चलती हूँ सो गाइज मुझे झूले बहुत पसंद है और अभी मैं चलती हूँ इस झूले They say that love is blind, but I never trusted sight. When I turn and look inside, there's nothing I can. तो गाइज भैया ने मुझे बहुत अच्छा झूला झुलाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा और भैया आपको कैसा लगा आपको मुझे रोक आपने मुझे रोक रोक के झुला रहे थे और आप देख सकते हैं कि मेरा मैं कैसे कर रही थी और मेरा ये हाल क्या हो गया था और गाइज काफ़ी अच्छा झूला है मुझे बहुत पसंद आया और आप आइए भैया के पास आपका नाम क्या कृष्णा भैया के पास आइए और यहाँ पर आके झूलिए बहुत अच्छा झूला झुलाते हैं अभी मैं चलती हूँ राइड पर जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारी रेल है काफ़ी सारे ब्लॉक्स मेरे पीछे भी हैं और जब मैं मिडिल में बैठी हूँ I'm standing alone, can't shake a feeling this.
gone for good. तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना ब्लॉग में ये पकड़ लीजिए। अरे इसमें तो पैर ही थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा मेरा। आओ पकड़ पकड़ कोई ना होगा। अब छोड़ दीजिए डंडे, छोड़ दीजिए सीधी बैठे। तो गाइस अभी मैं इन्हें बताऊं। अरे मम्मी गिरा ना देना, ये गिराएगा तो नहीं है। अभी मैं बैठ गई हूँ ऊंट पर और मैं चलती हूँ कैमल राइड पर और आपको दिखाती हूँ कैमल राइड कैसी होती है। नीचे गिर जाएंगे हम। नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो आगे मेरे पप्पू भैया हैं और ये उनका ऊंट है और ये मैं हूँ और मैं चल रही हूँ कैमल राइड पर। गाइज़ आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर मेरी कैमरा राइड चल रही है और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है इसका और मेरा ये फर्स्ट टाइम है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कैमरा राइड करके।
सो गाइस आप भी करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एक मिनट रुको। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।